लास्ट वीडियो में हमने ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे रिएक्ट एसटीडी के नाम से, और इसमें हमने डिफरेंट तरीके से एक कंपोनेंट को प्रॉप पास करके देखा था कि अगर प्रॉप पास ना करें कंपोनेंट तो फिर उसको आगे कैसे डील करना होता है। तो ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जब हमने कोई फॉर्म सबमिट करना हो तो इनपुट लेते हैं और इस इनपुट को आगे हम बैकएंड पर भेजते हैं। मिसाल के तौर पर लॉगिन करना हो तो यूजर नंबर पासवर्ड हमें लेना पड़ता है और वो फिर हमने बैकएंड में भेजना होता है, या कहीं जब हम कोई अप्लाई करते हैं तो वहां पर वो सारी चीजें इंटर करते हैं हम अपने यूजर नेम, अपना अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, तो वो सारी इनपुट्स असल में होती हैं। तो रिएक्ट में कैसे उनको लिया जाता है वो अभी आज हम देखेंगे, और ये हमारा टॉपिक है एडिंग इंटरएक्टिविटी के जो लास्ट दो टॉपिक्स हैं वो ये था इसमें। अच्छा, ये जो है माउस के बगैर है, ये नीचे से स्क्रॉल इन्होंने किया हुआ है कि वो नहीं होता। ये माउस लग स्क्रॉल करने के लिए। अभी तो हमारा टॉपिक था ये लास्ट टू वाले, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट स्टेट, ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेट और एरे एंड स्टेट। स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करना हो या एरे को अपडेट करना हो तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म वो सबमिट करते हैं तो वो असल में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में हम उसमें चीजें स्टोर करवा रहे होते हैं। तो इसमें कहता है कि स्टेट यूज करनी हो तो वो इस तरीके से करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि यूज स्टेट के लिए एक हुक होती है यूज स्टेट की, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इसने कहा कि एक्स और सेट एक्स इसको कैपिटल करके ये तरीका होता है। तो वैसे अगर इनपुट में ऑब्जेक्ट के बगैर भी हम इनपुट ले सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हम बेशक एक दफा लेकर भी देख लेते हैं। हम अपना इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें नजर क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट में क्या हमने किया था, उसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या है हमारे पास। npm स्टार्ट की कमांड चलाइए और ये इसने इसको यहाँ पर खोल दिया। तो अभी इसमें ये जो हमारा है ऊपर हेलो रिएक्ट जेएस, ये मिटा देते हैं। हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं हेडर का, फुटर का और एक बॉडी का। ये हम तीन कंपोनेंट बना लेते हैं। ये जो पहले सारा काम किया हुआ था इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ऐप के अंदर जो रिटर्न का हमारा फंक्शन है इसमें ये एक कंटेनर लगा हुआ है यहाँ पर, और इस कंटेनर के बाद इसका ये जितना भी मटेरियल है मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि हम एक तीन कंपोनेंट बना सकें हेडर फुटर के। ऐसे ये सिर्फ कंटेनर रह गया था, और ऊपर ये स्टेट को चेंज करने के लिए कुछ हमने ये भी किया था तो ये भी मिटा देते हैं। ये भी हमें नहीं चाहिए फिलहाल, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये भी मिटा रहा हूँ। खाली सिंपल जैसे एक रिएक्ट का हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना तो जो स्टार्ट में वो कंपोनेंट उन्होंने बना के दिया वो होता है, सिर्फ ये वो उतना बन गया। ये चीजें अब क्योंकि ये नीचे इस्तेमाल हो नहीं रही हैं तो हम ये भी रिमूव कर सकते हैं वहां से कि जो यूज नहीं हो रही। ये स्टेट भी अभी स्टेट की हुक भी यूज स्टेट में अच्छा है वो तो हमने फिलहाल नीचे करनी ही है इस्तेमाल, तो वो ये यूज हो जाएगी। अभी इस कंटेनर के अंदर खाली चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक एच वन लिख लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि हेलो आई एम हेडर। बाद में ये हेडर हम इसको, आप लोग चाहें तो इसको अच्छा हेडर बनाकर उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। एक ये एच वन में हमने ये लिख दिया। दूसरा अच्छा, इसके ना हर कंपोनेंट जो है हमने तीन कंपोनेंट बनाने हैं ना उसको रो में लिख लेते हैं ताकि वो कंटेनर के अंदर एक तरतीब रहे रोज की। डॉट रो ये क्या सजेस्ट हो उसको क्यों नहीं ले रहा।
डार्क ड्रॉ लिखने से एंटर करने से आ जाता था, क्यों नहीं आ रहा, चलो वैसे बना लेते हैं लिव। और उसको हम इसको क्लास नेम देंगे, क्लास नेम हम देंगे इसको रॉ का, और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो आई एम हेडर H1 के अंदर। फिर इसी को मैं उठाता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इधर मैं लिख दूंगा हेलो आई एम बॉडी, यहाँ पर हमारा सारा कंटेंट होगा। और उसके नीचे तीसरा कंपोनेंट हम बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं हेलो आई एम फुटर। ये जो हेडर फुटर है ये तो क्योंकि हमने उसको हर हर पेज पर दिखाना ही होता है, तो इसलिए ये हमारे हर पेज पर आना चाहिए हर कंपोनेंट के साथ। तो ये देखें ये नीचे आ रहा है कि हेलो आई एम हेडर, आई एम बॉडी, आई एम फुटर। तो तीनों के अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं हम। ये एक पहले हमने ये बनाया है, इसको अलग अलग कंपोनेंट हम इसको बना लेते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर क्लियर हो रही है सबको, वॉइस आ रही है, जल्दी से मैसेज में बता दो। इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करने लगे हैं। हाँ अच्छा, अब इसको हम कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने लगे हैं। ये तीन चीजें हमने लिखी हैं यहाँ पर और वो इधर भी आ रही है, हेलो आई एम हेडर, बॉडी और फुटर। ये तीन चीजें मैंने बनाई हैं और रॉ के अंदर अंदर इसको लिखा, ऊपर कंटेनर और नीचे अंदर ये रॉ। इन इसको नीचे, इसको और जो नीचे वाले, इन तीनों को मैं अलग अलग कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूँ, ताकि उसको हम कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके यूज कर सकें। तो ये कंपोनेंट्स के अंदर, ये एक फोल्डर हमने बनाया हुआ कंपोनेंट्स का, उसके अंदर ऑलरेडी हमने एक वैसे एक और कंपोनेंट बनाया हुआ है। तो एक और हम यहाँ पर न्यू फाइल बनाकर क्या लिखें, उसका नाम हेडर डॉट js भी लिख सकते हैं, JSX भी लिख सकते हैं। वैसे आमतौर पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ JSX लिखा जाता है, और जिसमें हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी हो, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कॉल करने हो, तो उसके साथ JS लिखा जाता है। तो JS ये देखें, इसमें हमने JS वैसे लिखा था तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाता है। JSX लिख देंगे वो भी चल जाती है, सेम वाले में हमने कंपोनेंट बनाया था और JS लिखा था उसके साथ भी चल गया था। तो वैसे नॉर्मली ऐसे करना चाहिए कि जिसमें कैलकुलेशन करनी हो, सिर्फ कंपोनेंट ना बनाना हो रिएक्ट का, उसमें हम JS लिख देते हैं ताकि वो पहचान रहे, और जिसमें कंपोनेंट बनाना हो उसके साथ JSX लिख देते हैं। अच्छा कंपोनेंट बनाते कहते हैं हम बनाते हैं इसको, जी फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं और आगे कंपोनेंट का नाम लिखते हैं हेडर, और कंपोनेंट का नाम कैपिटल के साथ होना चाहिए, कैपिटल के साथ हेडर, और तो उसकी ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स में हमने लिखना होता है रिटर्न, जो नॉर्मली एक फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न के लिए जो होते हैं वो ये वाली है। और इसमें हम वो जो ये अपना ये हेलो आई एम हेडर वाली रो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इधर। तो अब ये एक हमारा फर्जी हेडर का कंपोनेंट बन गया। इसी तरह हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कंपोनेंट यहाँ पर, यहाँ यूज न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, समाल लिख दो, कैपिटल में लिख दो, एक ही बात होती है, लेकिन कंपोनेंट का आगे जो नाम होता है वो नॉर्मली हम बड़े में लिखते हैं जो अंदर होता है। ये इस फाइल का नाम जो मर्जी लिख दें, लेकिन होना तकरीबन सेम ही चाहिए, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो बॉडी डॉट JSX के नाम के मैंने वो बनाया है, हेडर वाले ही कंपोनेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा इसके साथ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लिखना है हमने, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, हमने इसको कहीं और यूज करना है, तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आगे उसका नाम। और तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बॉडी डॉट JSX में पेस्ट कर देता हूँ, और ये अंदर वाला जो मटेरियल है ये वाला
ये मुझे ये वाला नहीं चाहिए, बल्कि ऐप के अंदर जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये वाला बॉडी वाला, ये रॉ मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और इसको बॉडी डॉट जेएसएक्स में यहाँ पेस्ट कर देता है। इसी तरीके से एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जल्दी से, उसका नाम रख लेते हैं हम फुटर, फुटर डॉट जेएस या जेएसएक्स। अब क्योंकि ये कंपोनेंट ही बनाना है हमने, तो जेएसएक्स ही ज्यादा बेहतर है। तो इसमें हेडर वाला या बॉडी वाला हम कोई कंपोनेंट वहां से उठा के कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं अपने, किसमें, फुटर में, जिसमें ये हमने पेस्ट कर दिया। और इसमें जो ऐप के अंदर हमने फुटर बनाया हुआ है, ये फुटर की रो, हेलो आई एम फुटर, इसको मैं यहाँ से कट करके वो फुटर में ला कर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ रिटर्न के अंदर पूरी रो। अब ये देखें कि मेन हमारा जो ऐप के अंदर चीजें हैं वो एक कंटेनर है सिर्फ, और इसी में हम हेडर लगाएंगे, इसी में फुटर लगाएंगे, इसी में बॉडी लगाएंगे। तो उन हेडर और फुटर के कंपोनेंट्स के अंदर आपने दोबारा वो कंटेनर की चीजें नहीं बना देनी। अगर इस तरह करेंगे तो क्या होगा, ये जब ये कंपोनेंट्स हम इसमें यूज अब कर रहे हैं, इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ अब कंपोनेंट वो वाला, उसका नाम है जी हेडर। ये देखो आगे सजेस्ट कर रहा है कि आप हेडर जो कंपोनेंट्स के अंदर हेडर पड़ा है आप वो वाला करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसे यूज हो गया। और ये ऊपर देखेंगे ऑटोमेटिकली ये शायद इसको इंपोर्ट भी कर दे, हाँ ये कर दिया उसने इम्पोर्ट, ये वाला इम्पोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश हेडर, हेडर से उसने उसको इम्पोर्ट भी कर दिया ये नीचे यूज करने की वजह से। अभी दो तरीकों से आपको बताया हुआ कि इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर वो आपने दूसरे टैग नहीं यूज करना तो इस तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है हमारा बॉडी, बी कैपिटल है हाँ ऐसे, और ये क्यों नहीं आ रहा, बॉडी को क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा, BODY यही तो है। कंपोनेंट्स के अंदर बॉडी डॉट जेएसएक्स सेव भी है। चलो बहरहाल ये ऐसे हमने लिख लिया है, और चेक करते हैं ऊपर से इंपोर्ट किया है या नहीं, बॉडी को उसने इंपोर्ट नहीं किया, क्या मसला हो सकता है, कोई गलती है इसमें हमारी। ओह अच्छा, इसके अंदर हेडर लिखा हुआ है, हमने वो कॉपी ऐसे पेस्ट करते गए हैं, उसका नाम हमने वो बॉडी चेंज नहीं किया, हेडर ही लिखा हुआ है, इसको बॉडी करेंगे। और जो फुटर है उसमें भी हेडर लिखा हुआ है, उसको भी हम क्या करेंगे, बॉडी करेंगे, ताकि उनका नाम से पता चले कि ये क्या चीज है। दोबारा से हम बॉडी को इम्पोर्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ से बॉडी का कंपोनेंट हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो अब ये बी कैपिटल। तो ये आ रहा है कहीं सजेशन में बला, BODY लिखे अगर, तो ये आ रहा है कि आप कंपोनेंट्स के अंदर जो बॉडी है वो वाला, इसके ऊपर क्लिक किया और ऐसे बांध किया तो ऑटोमेटिक उसने इसको भी बांध कर दिया और ऊपर भी बोर्ड हो गया, वो देखें ये बॉडी आ गया ये वाला। तो इस तरह इसको आपने वो शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो वो भी लिख सकते हैं। तो लास्ट पे हमने इसको क्या करना है, फुटर को बोर्ड करना, फुटर 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 किधर है हमारे पास, फुटर का कंपोनेंट हमने कैसे बनाया था अपना ऊपर कंपोनेंट्स के अंदर, उसका जो नाम है वो क्या लिखा था, फुटर डॉट जेएसएक्स, और अंदर जो नाम है वो बॉडी लिख दिया दोबारा से, ये फुटर होना चाहिए। FOOTER यार फुटर, और ये सजेशन में आ रहा है कि ये वाला कंपोनेंट, उसको बंद करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, सेव किया। अब देखेंगे कि हमारे पास वो फ्रंट एंड पर क्या आ रहा है, ये देखेंगे सेम वो ही आ रहा है जो पहले था, लेकिन हमने इसको सेक्शन वाइज कंपोनेंट्स में बना दिया कि बॉडी इसका फुटर और ये वो। अब बॉडी के अंदर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये बॉडी का एक कंपोनेंट है, इसके अंदर सिर्फ हेलो आई एम बॉडी लिखा हुआ है, तो इसमें हम कोई और भी लिख सकते हैं, मतलब कि होम पेज है तो उसका होम पेज का कंपोनेंट हम बना सकते हैं, या फिर कोई और कंपोनेंट किसी और नाम से भी बना सकते हैं। बॉडी के नाम के बजाय हम इसको बेशक अभी करते हैं होम, कि ये हमारे होम पेज पर आएगा फ्रंट पेज। अब ये देखो नाम बेशक वो
JSX फाइल का नाम तो बॉडी ही है, लेकिन कंपोनेंट का जो नाम है वो यहाँ यूज होगा। यहाँ अब बॉडी के बजाय हम अगर लिखेंगे ना होम, HOME होम, तो वो देखो कंपोनेंट सजेस्ट कर रहा है कि बॉडी के अंदर जो फाइल पड़ी है वो वाला कंपोनेंट आप लेना चाहते हैं। हाँ जी वो वाला लेना चाहता हूँ, हेडर होम और फुटर। तो ऊपर वो बॉडी इसने किया हुआ है कि वो निकाल दिया हमने, और ये देखो हेडर भी इम्पोर्ट हो गया, फुटर भी इम्पोर्ट हो गया, होम भी इम्पोर्ट हो गया। तो सेव करके हम इसको चेक करते हैं, बॉडी की जो टेक्स्ट है वो भी है, बॉडी की बजाय हम लिख देते हैं यहाँ पर आई एम होम। और अब हम इसके देखते हैं कि क्या आ रही है। देखो हेडर, ऊपर हेडर, फिर होम नीचे, और फिर फुटर। अब ये हेडर इतना पूरा बड़ा हेडर होता है, नॉर्मल फुटर जो है वो पूरा ऐसे नीचे फुटर होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सजेशन के लिए एक ये चीज लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने इनपुट लेनी थी कि इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब इस किसी भी कंपोनेंट के अंदर हम इनपुट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं कंटेक्टस का, और उसमें हम उसका यूजर का ईमेल और लेते हैं फोन नंबर, और वो क्लिक करने पर सबमिट कर दे। तो जल्दी से हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं कि कौन से वाला कंपोनेंट हम वो बना लेते हैं कंटेक्टर्स के नाम से, कंटेक्ट अस डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पर कोई भी बॉडी वाला ही कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, कंटेक्ट अस में कंट्रोल वी, और यहाँ पर सी कैपिटल, कंटेक्ट यू का अस का यू भी कैपिटल कर लेते हैं, जरूरी तो नहीं है। तो कंटेक्ट अस, अब इसी में लास्ट पे हम इसकी राउटिंग भी करके देख लेंगे इनपुट लगाने के बाद कि कैसे कंटेक्ट अस के ऊपर जाना है, कैसे होम पेज पर जाना है, कैसे किधर जाना। तो यहाँ पर हम एक इनपुट लेते हैं या फॉर्म लेते हैं, तो हम ले लेते हैं वैसे इस तरह HTML का फॉर्म, और इसमें हम ले लेते हैं इनपुट इनपुट, और ये कैसे इनपुट आ गया, ऐसे ही आती है क्या, या एक ही टैग होता है सिंपल होता है ऐसे, और ये ऐसे बंद होते हैं। और यहाँ पर इनपुट की क्या होती है टाइप, और वो लेट्स होता है टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर लगा देते हैं कि इंटर यूअर नेम, और इसका एक लेबल लगा देते हैं हम, लेबल के जो इनपुट के ऊपर शो होता है वो भी टैग होता है, लेबल में लिख देते हैं हम के यूअर नेम। अब हम इस कंटेक्ट अस को भी वहां इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने मेन पेज पर, जहाँ हेडर फुटर और बॉडी है। तो मैं अब यहाँ पर ऐप के अंदर, ऐप के फंक्शन के अंदर, यहाँ रिटर्न के अंदर मैं ये होम नहीं करना चाहता। मैं अब यहाँ पर इसको मैंने कमेंट कर दिया, और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कंटेक्ट अस। अभी फिलहाल तो हम ये वैसे कर रहे हैं उसको कमेंट करके, थोड़ी देर बाद हम इसको कर लेंगे कि कैसे राउटिंग करके हमने इसमें यहाँ पर अपने हेडर फुटर के अंदर जो बॉडी वाला सेक्शन है जहाँ पर होम दिखाना है, या कंटेक्ट अस दिखाना है, या कोई और हमने कोर्सेज का पेज दिखाना है हेडर फुटर के अंदर, या अबाउट अस दिखाना है, वो सारा हम राउटर के जरिए करेंगे। अब कंटेक्ट अस का पेज हमारे होम पेज पर नजर आएगा, ये देखो यूअर नेम, और कह रहा है कि इंटर यूअर नेम। अब यहाँ पर जो नाम वो इंटर करे हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर शो भी हो इधर उसके साथ ही। तो हम इस कंटेक्ट अस के जो कंपोनेंट है उसमें आते हैं राइट क्लिक करके, राइट क्लिक किया, कंट्रोल किया, और कंट्रोल के ऊपर लगाकर उसको राइट क्लिक हमने किया। यहाँ पर PR का टैग भी लगा लेते हैं ताकि वो नीचे आ जाए। अब PR का टैग को क्या लगे, ऐसे लगाओ ऐसे की बजाय नॉर्मली इस तरह होता है, लेकिन इसके साथ ऐसे क्लोजिंग टैग लगाया जाता है।
वी आर के टैग लगाने से वो नीचे आ जाएगा यूअर नेम और इधर इंटरव्यूअर नेम। अब जो यहाँ पर नाम हम इंटर करें, मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर भी आगे शो हो। यहाँ पर कैसे शो होगा, जब उसको हम स्टेट यूज करके इस्तेमाल करेंगे। तो इसी कंटेक्ट अस के कंपोनेंट के अंदर यहाँ रिटर्निंग से ऊपर हमें यूज स्टेट हुक के इस्तेमाल करना पड़ेगी, जो कि हमने वो यहाँ पर की हुई भी थी। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं, तो मैं इसी को यहाँ से कट कर लेता हूँ और पेस्ट हम इसको कर देते हैं कंटेक्ट अस वाले में। इंपोर्ट करना है तो फंक्शन से ऊपर इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर इधर, और अगर उसको फिर आगे नीचे यूज करना है तो इस नेम को मैं स्टेट के साथ लगा रहा हूँ कि जो नाम जो भी हम यहाँ पर नाम लिखे हैं वो इस स्टेट के वेरिएबल में आ जाए। कोई बता सकता है मेरा ये करने का क्या मकसद है कि मैं स्टेट के साथ क्यों लिंक करना चाह रहा हूँ? एक तो मैं उसकी वैल्यू सेव करना चाह रहा हूँ कि जो यू लिखूँ वो इस वेरिएबल में आ जाए। इस तरह कैसे उसको करके लिखते हैं भला, स्टेट को जो यूज करते हैं इसके लिए हम करते हैं इस तरह की एक्स और सेट एक्स नेम नेम लिख लेते हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स ले ही आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशन से। ये उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्ट और आगे ये इस तरीके से, तो ये मैं वहां से उठा लिया डॉक्यूमेंटेशन से। और यहाँ पर साथ कॉन्स्ट भी लिखना होता है ब्रैकेट्स के, कॉन्स्ट और आगे नेम की पोजिशन की जगह नेम है हमारा, और सेट पोजिशन की जगह है हमारा सेट नेम। सेट नेम और ये यहाँ पर इनिशियल नेम उसको हम खाली दे देते हैं कि इसका इनिशियल नेम कोई भी नहीं है। सेव करेंगे और यहाँ पर हम इस नेम की वैल्यू को शो करवाएंगे कहीं पर। मैंने यहाँ कहा था कि हम नाम जो लिखें वही नाम यहाँ कहीं शो हो रहा हो, लेबल के साथ ही योर नेम इज आगे वो नेम शो हो रहा है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। नेम जो भी नाम के अंदर वैल्यू आए, अभी तो खाली है, लेकिन जब हम इसके इनपुट के चेंज होने पर हम कह देंगे कि वो इस नेम के अंदर आ जाए। तो अभी देखते हैं कि अभी तो ये खाली है कि योर नेम इज, और ये देखो बिल्कुल खाली है अभी। अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ तो ये इनपुट चेंज हो रही है, अभी खाली इनपुट है। जब भी कोई भी कीवर्ड मैंने इंटर किया तो इसका मतलब इनपुट चेंज हो रही है, ये ऐसे ये इनपुट चेंज होती है इस तरह, इसको कहते हैं इनपुट का चेंज होना। तो हम एक फंक्शन लगा सकते हैं कि ऑन चेंज, कि जैसे ही इनपुट चेंज हो मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज लिखी जाए तो आप स्टेट के अंदर भी वो अपडेट कर दो वैल्यू, कि जो स्टेट की वैल्यू है वो भी आप तो उस इनपुट की वैल्यू को लगा कर रख दो। तो वो कैसे, इनपुट की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ से, चेक करते हैं कि उन्होंने कैसे इनपुट की वैल्यू ली हुई है। यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर इनपुट इनपुट ये देखो, ये इन्होंने काफी सारी इनपुट्स यूज की हुई हैं। हम यहाँ से इन्हीं की एक इनपुट वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एक फंक्शन को, और इसको मैं अपने कोड में लेकर आता हूँ यहाँ पर। रिटर्न से ऊपर जो भी कोई फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम रिटर्न से ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर। अब फंक्शन का नाम हम अपनी मर्जी को कोई भी दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ हैंडल नेम चेंज, क्योंकि हमने नेम का जो वेरिएबल है उसको चेंज होने को हैंडल करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये हैंडल नेम चेंज फंक्शन जहां पर कॉल करो, इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ ये इस लाइन को कमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाई हुई। तो इसको ये ई का मतलब है कि कोई भी चीज आपने यहाँ पर देना है, ई या इवेंट या एलिमेंट, जो भी आप यहाँ वेरिएबल लिख दें, आप एक्स लिख दें एक ही बात है। तो मैं ई ही अभी फिलहाल हम लिखते लिखे रहने देते हैं। ऑन चेंज पर मैं ये फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ कि जब भी ऑन चेंज हो, अब फिलहाल हम अलर्ट शो करवाते हैं अलर्ट, और अलर्ट में वो ऑब्जेक्ट करके शो कर देता है, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं ताकि वो
सही हमें नजर आए कि ई के अंदर क्या आर है। ई लिख दो, एक्स लिख दो, जो आप मर्जी लिख, लेकिन नॉर्मली ई ही लिखा जाता है। ई से मुराद होता है एलिमेंट, एलिमेंट से मुराद होता है कि जो एलिमेंट चेंज हो रहा है वो वाला। तो यहाँ इनपुट के चेंज होने पर हम लिखेंगे ऑन चेंज, ऑन चेंज का एक इवेंट हम कॉल करेंगे, और ऑन चेंज पर हम ये फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, कौन से वाला, हैंडल नेम चेंज वाला, जो फंक्शन हमने एक बनाया जो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करवाता है, लॉग नहीं लिखा, जो कंसोल डॉट लॉग करवाता है, जो भी उसको वैल्यू मिलती है या यहाँ यहाँ से जो इसको वैल्यू हम देंगे नीचे से, ये वो प्रिंट करवा देगा। और ऑन चेंज पर हैंडल चेंज इवेंट है उसका नाम, हैंडल नेम चेंज। और आपको पता है कि आगे हमने इसके वो इस तरह करके करली ब्रैकेट्स नहीं लगा देनी होती हैं, अगर हमें कोई वैल्यू इसको देना पड़े तो फिर तो करली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेंगे, मजबूरी बन जाता है। वो काम करने के लिए फिर हम एरो फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पर एरो फंक्शन बनाकर फिर आगे वो करली ब्रैकेट्स लगा सकते होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्टली हमने ये कॉल करना है तो करली ब्रैकेट्स के बगैर कॉल करना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ये क्या आ रहा है, कि ऑन चेंज जब होता है तो हमारे पास क्या शो होता है। यहाँ पर इधर से साथ हम कंसोल भी खोल लेते हैं, इंस्पेक्ट किया, और ये नीचे कंसोल भी हम ओपन कर लेते हैं, ये वाला अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूँ ए, ए मैंने लिखा तो वो कह रहा है कि ये पूरी जो चीज मिली है, ये इसको पूरा एलिमेंट मिला, इसमें टारगेट क्या है उसका, इनपुट है, और इनपुट के अंदर वैल्यू क्या है, ए है। ये देखो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट इसको मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, मतलब कि ई के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हैं, ई के अंदर ये सारा मटेरियल पड़ा है। अब उसमें से हम कहते हैं कि इसका, इस ऑब्जेक्ट का जो है टारगेट, टारगेट की वैल्यू, डॉट टारगेट लिखेंगे तो सिर्फ टारगेट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आप ई डॉट टारगेट लिख देंगे ना, कि कंसोल करवाना है हमने सिर्फ ई डॉट टारगेट के, जिसके ऊपर वो चेंज हो रहा है, जो उसका इनपुट जिसके ऊपर हमने ये फंक्शन लगाया हुआ है, जिस इनपुट पर टी कैपिटल है या समाल है। ई डॉट चेक कर लेते हैं कंसोल में क्या कहता है, समाल ही है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करके नीचे ले आते हैं। ई डॉट टारगेट लिखे तो अब चेक करते हैं कि चेंज होने पर हमारे पास वो पूरा ऑब्जेक्ट आने की बजाय सिर्फ उसकी वो टारगेट वाली ऑब्जेक्ट आएगा। टारगेट उसका क्या है, अब ये पूरा इनपुट उसका टारगेट है, और इसकी वैल्यू लेनी हो तो हम साथ वैल्यू ले सकते हैं, डॉट वैल्यू लिखकर। अब ये एलिमेंट उसका आ गया टारगेट के तौर पर, उसको मतलब कि ये इनपुट मिल रहा है यूअर नेम वाला, इसकी किसी भी इनपुट की वैल्यू लेनी हो तो उस इनपुट का नाम और साथ वैल्यू लिख देते हैं, मतलब कि डॉट टारगेट लिखने पर ये पूरा इनपुट आ रहा है, और अगर साथ हम वैल्यू लिख दें, डॉट वैल्यू लिख दें, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्स के अंदर, कंसोल के अंदर। इसको मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ से ये देखो जो लिखते हैं वो नीचे आ रहा है, इसको मैं मिटा दूँ, अगर चेंज होने पर, ये देखो चेंज होने पर जो भी लिखते हैं वो नीचे आ जाता है। अब मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज डब्ल्यू, ये देखो डब्ल्यू इनपुट चेंज हुआ, चेंज होने पर ये फंक्शन कॉल हुआ हमारा, ये वाला हैंडल नेम चेंज वाला हमने लगाया हुआ कि ऑन चेंज पर ये फंक्शन कॉल करो, जैसे ये फंक्शन कॉल करेगा ऑन चेंज वाला, ये फंक्शन कॉल होगा कंसोल में, वो जो जिसके ऊपर ये फंक्शन लगा हुआ है उसकी उसकी वैल्यू वो निकाल कर हमें दे देगा कि ये इनपुट की वो वैल्यू है, तो नीचे हमारे कंसोल में वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि जो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है कंसोल के अंदर, वो यहाँ पर ऊपर शो हो जाए, हम नहीं कंसोल में देखना चाहते, हम कंसोल में नहीं देखना चाहते, मैं चाहता हूँ कि यूअर नेम इज वो यहाँ लिखा हुआ, इज के बाद लिखा हुआ आ जाए। तो चेक करते हैं कि कैसे आएगा, हमें इस नेम हमने वो वहां पर लिखवाया हुआ है, जो आपका नेम है वो प्रिंट हो जाए, यूअर नेम इज, जो नेम की वैल्यू है, जो नेम की वैल्यू अभी क्या है, अभी स्टेट के अंदर नेम की वैल्यू है खाली। तो इस फंक्शन
तो मैं कहता हूँ कि जब कॉल आप हो ना, तो आपने ऐसा करना है कि नेम को सेट कर देना, ये वाला फंक्शन कॉल करना है, सेट नेम वाला, ऐसे सेट नेम वाला आपने ये फंक्शन कॉल करना है, और इसको जरा आपने कर देना है, एक्सपेरियंस कॉल करते हैं, इसको आपने वैल्यू पास कर देनी है, ये वाली ई डॉट टारगेट या डॉट वैल्यू, मतलब कि जो भी वैल्यू उसको मिलती है चेंज होने पर, वो आपने इस एक्स को लगा देनी। अब जैसे ही वो एक्स पहले खाली वैल्यू है, जब ये चेंज होने पर इसको एक्स की वैल्यू लगेगी, तो एक्स क्या हो जाए, एक्स कह रहा हूँ नेम, नेम को जब ये वैल्यू लगेगी तो नेम क्या हो जाएगा, चेंज। और जैसे ही आपको पता है स्टेट है ये, जैसे ही स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है, पेज रीरेंडर होता है, और रीरेंडर होने के बाद वो क्या करता है कि जो उसकी स्टेट के अंदर लेटेस्ट वैल्यू होती है वो दिखाता है। तो अब देखते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या आता है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए, वो देखो ऊपर ए लिखा हुआ आ गया, एस ऊपर एस लिखा हुआ आ गया, जो भी लिखते जाएंगे वो ऊपर आता जाएगा, और मिटाते जाएंगे तो वो वहां से मिटाता जाएगा। अब ये यहाँ पर इफेक्ट कैसे आ रहा है, ये तो एक HTML का है पेज, ये तो एक मतलब के पूरा पेज है हमारा, और ये यहाँ पर इफेक्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने इसके स्टेट के साथ इसको किया हुआ है कि जैसे ही वो चेंज हो स्टेट चेंज हो, और जब स्टेट चेंज हो तो पेज पूरा, वो कंपोनेंट पूरा रीरेंडर होगा, और जैसे ही कंपोनेंट रीरेंडर होता है वो फिर उसको एक किस्म का रिफ्रेश कर देता है कि नए सिरे से बना देता है, और नए सिरे से बनाता है तो वैल्यू वहां पर ऊपर लिखी जाती है। अब बाज दफा आप चाहते हैं कि यार आपने बहुत सारी इनपुट्स लेनी है, आप चाहते हैं कि आप उसकी वैल्यू तो एक चीज में ले लो लेकिन रीरेंडर ना हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका इनपुट होने पर आपका वो पूरा कंपोनेंट है जो बार बार वो रीरेंडर हो, बने डिस्ट्रॉय हो, बने डिस्ट्रॉय हो, तो हर ऐसे हर की वर्ड पर वो बनता है डिस्ट्रॉय होता है। लेट्स सपोज आप नहीं चाहते हो, तो उसके लिए एक और हुक है, उसके लिए हुक है यूज रेफ। अच्छा एक और काम जिससे आपने रिएक्ट कहता है कि ये काम तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको सेट नेम की बजाय आप कहें कि यार ये फंक्शन कॉल में वैसे कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नेम को उसके बराबर कर देता हूँ कि जो वैल्यू आ रही है, तो इस तरह भी तो वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। इस तरह आप कहें कि मैं ऐसे कर दूं, तो पहली बात तो ये है कि नेम है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की वैल्यू को आप इस तरह चेंज नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि कॉन्स्ट की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती होती, आपको पता है, एक तो इसमें ये एरर आएगा। दूसरा रिएक्ट कहता है कि आपने इस स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना, इस तरह डायरेक्टली उसके अंदर बराबर वैल्यू नहीं डाल देनी है, आपने उसको सेट स्टेट का फंक्शन जो है उसके जरिए से अपडेट करना है, तो अदरवाइज वो एरर आते हैं फिर। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, यूज रेफ इन रिएक्ट, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा रीरेंडर ना हो कंपोनेंट, लेकिन उसकी वैल्यू हम ट्रैक कर रहे हैं वो कि क्या वैल्यू आ रही है। ये W3 स्कूल से दिखा रहे हैं कि फजूल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट के हवाले से, तो हम उनकी जो रिएक्ट डॉट डेव वालों की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है उसी में देखेंगे। ये इस तरह सिर्फ वैल्यू जैसे स्टेट की यूज करते हैं, इस तरह यूज रेफ की इस तरह से वैल्यू हम कर लेते हैं। अच्छा फिर इसको अपडेट कैसे करते हैं भला, ऊपर से यूज रेफ हमने इम्पोर्ट किया और यहाँ यूज रेफ की वैल्यू डाल दी हमने, और कैसे करके नीचे यूज करेंगे इसका, इनिशियल वैल्यू है और फिर उसकी करंट वैल्यू डाल रहे हैं। रेफ डॉट करंट कहाँ करके कुछ सही, इसने इनपुट के अंदर या कहीं पर उसने दिखाया वो हो, हाँ जी यहाँ पर वो वैल्यू चेंज कर रहा हो कि रेफ के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आप लगाते जाओ, एक किस्म का ये वेरिएबल ही होता है, एक किस्म का ये वेरिएबल ही होता है, इसको हम स्टेट के अंदर कह रहे हैं कि नेम लिखवाने के बजाय आप लेट नेम इज इक्वल टू ये कर दो, जो ऊपर भी कह रहे हैं कि आपने लगाया हुआ है ऐसे करके, और ऊपर रेफ को हमें यूज रेफ को
इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, तो इसको यहाँ पर हम पर इंपोर्ट कर लेंगे। वैसे स्टेट के साथ कॉमा लगाकर ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे अलग करने की बजाय यहाँ हम कॉमा लगाकर यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये नीचे हमने यूज रेफ किया और उसका हमने नाम लिख दिया कि ये अभी खाली है, नेम नेम वन खाली है। और फिर अब ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसको हम डायरेक्टली बगैर वो किसी इस तरह का सेट नेम वाले करने की बजाय हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली भी यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं कि जो नेम वन है उसकी वैल्यू है, आप उसको इक्वल कर दो इसके जो भी वैल्यू उसको चेंज होने पर मिलती है उसके बराबर आप नेम वन को कर दो। और इस नेम वन को फिर आगे हम सबमिट करने के लिए यूज कर सकते हैं या कंसोल करवा के देख लेते हैं कि नेम वन में क्या आ रहा है। स्टेट में अब नहीं यूज कर रहा, मैं रेफ यूज कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू वो चेंज होने पर सिर्फ कंसोल में मैं उसको चेक करवा रहा हूँ कि क्या आता है। इसको रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंसोल निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वसीम। ये देखो वो कंसोल में आ रहा है कि जैसे जैसे वो चेंज होता है कंसोल में ये इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। अब आप ये चाहें कि ये यहाँ पर यूअर नेम इज नेम वन हम कर दें तो हम ऊपर भी प्रिंट करवा लें, तो क्या ये ऐसा होगा? क्या रेफ के चेंज होने पर, एक वेरिएबल है जो कि, क्या उसके चेंज होने पर हमारी जो है रीरेंडर होता है पेज, पेज रीरेंडर तो सिर्फ स्टेट के चेंज होने पर होता है। अच्छा वो कह रहा है कि आप इस तरह करके उसको डॉट करंट लगाकर फिर यूज करें, जब उसको आपने रेंडर करवाना है ना। यहाँ पर मैं रेंडर करवा रहा हूँ, तो यहाँ आप उसके साथ वो कह रहे कि डॉट करंट लगाएं कि उस रेफ के अंदर करंट वैल्यू क्या आ रही है, तो ये उसने एरर दिया था। इसको अब देखो कंसोल में तो आ रहा है, कंसोल में आ रहा है उसकी वैल्यू जो